जूझ रहे क्षेत्रवासी झांसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए नई पाइपलाइन डलवाने की मांग की है। झांसी जिले में पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि पिछले काफी समय से मोहल्ले में पानी की समस्या आम है, जिसके बारे में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। प्रतिदिन उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से मोहल्ले में पानी की नई पाइप लाइन डलवाने की मांग की है। इस मौके पर वहां मौजूद मोहम्मद उमर, अर्जुन, प्रकाश, मंगल, अजहर अली समेत कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 39 बाहर द्वितीय गेट प्रथम में स्थित मोहल्ला सलीम बाग अली उल हक की बाहर से आए हुए हैं। मैं पूर्व पार्षद मोहम्मद अखलाक मकरानी और हमारे समाज सभी क्षेत्रवासी आए हुए हैं। हमारी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ लगभग 2006 में एक पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जो कि मात्र एक वर्ष चली। एक वर्ष चलने के बाद आज 12-13 साल करीब होने वाले हैं, वो लाइन बंद पड़ी है। हमारे मोहल्लेवासी और हमने सभी लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को अवगत कराया और प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उनको बताया गया कि हमारे क्षेत्र में बोरिंगों में गंदा पानी आता है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, और पानी का सैंपल भी ले गए। ले आने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर पाइपलाइन वो पड़ी है, अगर वो चालू हो जाए तो लोगों को राहत मिले, और लोगों को जो गंदे पानी से बीमारी हो रही है बोरिंग के गंदे पानी से, तो बीमारी से बच सकें वो। और इसके अलावा हम लोगों ने मांग की है कि उस लाइन को चालू की जाए, और लाइन के अलावा जो आसपास की हमारी गलियां हैं, बस्ती हैं, उनमें लाइन नहीं डली है, उनमें लाइन बढ़ाई जाए, ताकि वहाँ के लोगों तक पीने का पानी पहुँच सके। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।